तो दोस्तों, कल हमारी बात किस सवाल तक पहुंच गई थी? नोट हमारा हो गया था, 10वां सवाल भी हो गया था हमारा, 11वां भी हो गया था। इसके बाद में आइए सीधे 12वें सवाल पर। 12वां सवाल है समय दूरी के अंदर। 12वां सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूर एक निश्चित स्थान पर कुछ बस द्वारा एवं शेष पैदल चलकर तय करता है, तो उसे 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। जैसे मान ले, कई बार हम गांव जाते हैं तो कुछ तो बस से गए, कुछ पैदल चल गए। तो ऐसा इसी टाइप का सवाल है कि जब कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर दूर जा रहा है और उसमें से वो निश्चित स्थान तक पहुंचने में कुछ तो बस को यूज कर रहा है, कुछ पैदल चल रहा है, तो दोनों को टोटल मिला करके उसको टाइम बता रखा है उसने 4 घंटे 20 मिनट। अब फिर एक राय, यदि वह पूरी यात्रा बस से ही तय करता तो उसका 1 घंटा 20 मिनट बच जाता। इसका मतलब यह कि अगर उसकी बस गांव तक ही पहुंच जाए तो उसका 1 घंटा 20 मिनट बच जाता। बच जाता मतलब कम लगता। अब पहले लगे थे उसको 4 घंटे 20 मिनट और अब कह रहा है 1 घंटा 20 मिनट कम लग रहा है, तो 1 घंटा 20 मिनट इसमें से घटाओ, तो कितने घंटे पहुंच गया वो? 3 घंटे पहुंच गया। तो मतलब ये कहेगा कि बस की चाल निकाल सकते हैं हम, तो लिख दो आप, बस की चाल बराबर दूरी बटे, दूरी मतलब 60 किलोमीटर है और दूरी बटे समय, समय लग रहा है उसको 1 घंटा 20 मिनट कम कर दो 4 घंटे 20 मिनट में से, तो ये हो जाएगा आपका 60/3, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर। तो बिल्कुल मूझवानी सवाल था कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूर जा रहा है, 60 किलोमीटर दूरी को वो 4 घंटे 20 मिनट में मिक्स करके चल रहा है, और यदि केवल बस से चल रहा है तो वो 3 घंटे पहुंच रहा है, तो 60 में 3 का भाग दे दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बस की चाल आ गई। अब आप चाहते हैं साहब पैदल की चाल निकालें, तो नहीं निकाल सकते हम, केवल इसमें बस की चाल ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने यही कन्फर्म कर रखा है कि यदि वो बस से तय करता है तो उसको 1 घंटा 20 मिनट कम लगता है। तो ये था सवाल नंबर आपका 12वां। 13वां सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आता रहता है हमें। 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जयपुर से दौसा के लिए निश्चित चाल से चलना प्रारंभ करता है, उसी समय पर एक दूसरा व्यक्ति जिसकी चाल पहले व्यक्ति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है चलना प्रारंभ करता है। दूसरा व्यक्ति दौसा पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है तथा रास्ते में दौसा से 12 किलोमीटर दूरी चलने के बाद पहले व्यक्ति से मिलता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि जयपुर और दौसा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो बताओ दूसरे व्यक्ति चाल कितनी है। सवाल यह है, इसका मतलब यह कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति जयपुर से चलते हैं, ये अगर जयपुर है और ये अगर दौसा है, तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों व्यक्ति एक साथ चलते हैं, दोनों व्यक्ति एक साथ चलते हैं जयपुर से दौसा के लिए, लेकिन एक इसमें तेज चल रहा है और एक इसमें धीरे चल रहा है। तो सवाल ये पूछता है हमसे कि दूसरे व्यक्ति चाल क्या है। अगर दूसरे व्यक्ति चाल पूछ रहा है तो मैं दूसरे व्यक्ति चाल को एक्स मान लेता हूँ। मान लिया दूसरे व्यक्ति चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसने बता रखा है आपके लिए कि दूसरे व्यक्ति की चाल पहले वाले व्यक्ति से 4 ज़्यादा है। अगर पहले को एक्स मानते हम तो इसको एक्स प्लस 4 मानना पड़ता हमें, और इसको एक्स मान लिया तो इसको 4 कम कर दो फिर आप। मतलब तेज चल रहा है इसमें सेकंड वाला, जब तेज चल रहा है इसमें सेकंड वाला और सेकंड वाले कोई पूछ रहा है आपसे, तो सेकंड वाले को यदि एक्स मान लिया तो पहले वाला धीरे चल रहा है, जब 4 का फर्क है दोनों में, तो पहले वाले की चाल मान लो एक्स माइनस 4। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। सवाल ये कह रहा है आपसे कि दोनों एक साथ चलते हैं। अब जब दोनों एक साथ चलेंगे तो स्वाभाविक बात है भाई, ये तेज चल रहा है, जब ये तेज चल रहा है तो दौसा जल्दी पहुंच जाएगा। ये जयपुर दौसा के बीच की दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 60। अब ये जब तेज चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा
सवाल ये भी कह रहा है कि ये दौसा पहुंच के तुरंत वापस चल देता है, पहला धीरे चल रहा है, दूसरा तेज चल रहा है, दूसरा दौसा पहुंच गया और वापसी में 12 भी आ गया। सवाल कह रहा है कि ये बिल्कुल नहीं रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता है, तुरंत ही वापस चल देता है और 12 किलोमीटर दूरी ही वापस आ गया, तब जाके पहले से मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 60 किलोमीटर दूरी में से जब 12 किलोमीटर की दूरी को तय कर लाया तो हमारे पास में शेष दूरी कितनी बची है? 48 बची। जब 48 बची तो ये कन्फर्म हो गया कि पहला व्यक्ति जितनी देर में 48 चल रहा है, दूसरा व्यक्ति उतनी ही देर में 60 चल गया पहले और 12 और चल गया। 60 और 12 कितने होते हैं? 72। यानी पहले व्यक्ति द्वारा जितनी देर में 48 दूरी तय की जा रही है, दूसरे व्यक्ति द्वारा उतनी ही देर में 60 + 12 का मतलब 72 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है, और यही सोल्यूशन है इसका। तो लिखो आप, पहले व्यक्ति द्वारा अड़तालीस किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूसरे व्यक्ति द्वारा साठ प्लस बारह दूरी तय करने में लगा समय, मतलब जितनी देर में पहले वाला 48 चलेगा उतनी ही देर में दूसरे वाला 72 चलेगा। और समय जानते हैं हम, समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब दूरी आपकी कन्फर्म है 48, पहले वाले व्यक्ति की चाल क्या मानी है आपने? देखो x-4 से भाग दे दिया। अब ये दूरी है, ये चाल है, जब दूरी को चाल से भाग देते हैं तो समय आ गया ना। तो ये जितना समय है, अगर ये 5 घंटे मिल रहे हैं तो ये भी 5 घंटे पहुंच रहा है, ये भी 5 घंटे पहुंच रहा है, 6 घंटे मिल रहे हैं तो ये भी 6 घंटे पहुंच रहा है, ये भी 6 घंटे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर दूरी बटे चाल कर दिया, समय आ गया बराबर। इसकी दूरी 72, चाल कितनी है इसकी? एक्स। अब काट लो, 24 या 72, 24 × 48 इंटू करो तो ये हो जाएगा आपका 2x 3x - 12। 12 को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ तो आंसर आ गया हमारे पास में कितना? 12। x का मान 12 आ गया है, इसका मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति चला गई हमारे पास में कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और यदि ये पहले की पूछता तो 4 कम कर देते इसमें से, तो पहला चल रहा है हमारा 8 की चाल से और दूसरा चल रहा है हमारा 12 की चाल से। ये इसका सॉल्यूशन था। बहुत अधिक आता है क्वेश्चन, है कुछ नहीं, ये लाइन है बस। और यही पता चल रहा है कि जितनी देर में 48 चल रहा है उतनी देर में वो 60 + 12 चल रहा है, दोनों का टाइम सेम है। काट लो आंसर। और क्या बढ़ा सकता है सवाल इसमें? और ये बढ़ा सकता है कि बताइए दोनों व्यक्ति कितनी देर बाद मिले, ये पूछ सकता ना, दोनों व्यक्तियों को मिलने में कितना समय लगा। तो ये आपको कन्फर्म हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है इसने 48 किलोमीटर की, ये इसने अपनी x-4 चाल से तय की है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है वही तो है मिलने का समय। तो ये हम कह सकते हैं ये मिलने का समय ही है। इसका मतलब 72 में आप सीधा 12 भाग दे दो ना, क्योंकि 72 किलोमीटर को इसने 12 की चाल से तय किया है तो 6 घंटे में तय कर लिया। तो ये 6 घंटे में यहाँ से यहाँ गया और ये 6 घंटे में यहाँ से पहुँच गया। तो ये कन्फर्म हो रहा है कि दोनों व्यक्ति 6 घंटे बाद एक दूसरे को आपस में पुनः मिल रहे हैं। जयपुर से मिल के चले थे और दोबारा मुलाकात हो रही है उनकी कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। तो ये भी एक लाइन डाल लो, अगर ये सवाल बढ़ सकता है तो इतना और बढ़ सकता है। इसमें लिखो दोनों व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों को आपस में मिलने में
लगा समय बराबर 72/12 कर दो या 48/8 कर दो, एक ही बात है, बराबर 6 घंटे, क्योंकि 72 किलोमीटर की जो दूरी तय की है उसने 60+12 वो 12 की चाल से तय की है, तो 6 घंटे बाद में वो आपस में मिल जाएंगे। ये था सवाल, कौन सा सवाल था ये? ये 14वां 13वां सवाल था। अब आइए 14वें सवाल पर। 14वां सवाल कह रहा है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात दे रखा है 7:5 तथा किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट कम लगते हैं। अब 20 मिनट कम लगते हैं, इसका मतलब समय का अंतर हो गया। जब चालों का अनुपात जानते हैं आप तो समय का अनुपात निकल जाएगा। चालों का अनुपात 7:5 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 5:7। दोनों का अंतर बताओ, अंतर 2 आ रहा है। इसी 2 का मान दे रखा है सवाल में, कितने मिनट? 20 मिनट। 2 का मान 20 मिनट, 1 का मान 10। ये ए है, ये बी है, तो 5 का मान निकालो, 50 मिनट। इसका मतलब ये पता लग रहा है हमें कि ए का समय था 5 इकाई, तो जिस दूरी को ए 50 मिनट में तय करेगा उसी दूरी को बी करेगा 70 मिनट में। लेकिन सवाल आगे क्या कहता है? सवाल आगे कह रहा है कि यदि ए की चाल को दोगुनी कर दें हम, अगर हम किसी व्यक्ति की चाल को दोगुना कर देंगे तो समय आधा हो जाएगा। तो जिस दूरी को ये 50 मिनट में तय कर रहा है उस दूरी को ये कितने में तय कर लेगा? आधे समय में, मतलब कितने मिनट में? 25 मिनट में। तो ये लाइन लिख दो लास्ट में, यदि ए की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ए द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में 30 मिनट अर्थात 50/2 बराबर 25 मिनट लगेंगे। ये इसका आंसर है। मतलब मुझे वाली सवाल था, 7:5 पता है, 5:7 हो गया, 2 का मान 20, 1 का मान 10, 1 का मान 10 तो 5 का मान 50, 50 मिनट में किसी निश्चित दूरी को तय की जा रहा है। सवाल कह रहा है डबल चाल कर दो, जब 50 का डबल चाल करेंगे तो 25 मिनट, मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है सवाल में। ये सवाल था हमारा 14वां 15वां सवाल। पंद्रहवां सवाल आया है, इसमें ए की चाल बी की चाल से दुगनी लेकिन सी से तिगुनी है। यदि सी किसी निश्चित दूरी को तय करने में 36 मिनट लगाता है तो बताओ उस बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। सवाल यह है, 3 व्यक्ति आ गए इसके अंदर, ए बी और सी। सवाल में कहा गया है कि ए की चाल किसी से दुगनी है और किसी से तिगुनी है। अब ये आपको दिख रहा है दुगुना भी हो रहा है तिगुना भी हो रहा है, तो 2 तिया कितने होते हैं? 6 होते हैं।
अगर तिगुना हो रहा है, चौगुना हो रहा है, तीन चौक कितने होते हैं 12, तो जितना भी गुना आ रहा है हमारे पास में उसको टोटल मान लो। ये कह रहा है दोगुना भी है और तिगुना भी है, तो 6 मान लेता हूँ ना इसको मैं। अगर ये इससे दोगुना है तो इसको 3 मानना पड़ेगा, हो गया दोगुना। इससे तिगुना है तो इसको 2 मानना पड़ेगा। ये इसका दोगुना है और ये इसका तिगुना है, इसका मतलब यह कि ये हमारे पास में चालों का अनुपात आ गया। और मैंने बताया था आपके लिए, अगर 2 से ज़्यादा चाल आती हैं और समय का अनुपात चाहते हैं हम, सबको बटे में करना पड़ेगा। समय का अनुपात निकालो, समय का अनुपात। वन अपॉन सिक्स वन अपॉन टू, ठीक है ना। ये समय का अनुपात आ गया, सिंपल करो इसको। लघुत्तम ले लो, 6 लघुत्तम आ रहा है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। और एलसीएम ख़त्म कर देते हैं हम, जब भिन्नों के अनुपातों को सरल करते हैं हम, एलसीएम लिया जाता है और सरल करने के बाद में एलसीएम को हटा देते हैं। इसका मतलब ये 1 2 3 अनुपात आ गया हमारे पास में, किसका? समय का। अब इसने कहा है सवाल में आपसे कि सी किसी निश्चित दूरी को तय करने में 36 मिनट लेता है। सी का टाइम दे रखा है आपको, इसका मतलब आपको 3 इकाई का मान दे रखा है। जब सी 36 मिनट में तय कर रहा है, 3 इकाई जानते हैं हम 36 मिनट, तो 1 का मान आएगा 12 मिनट, 3 का मान 36, 1 का मान 12। और जब 1 का मान 12 तो बी का मान निकालो 2 इकाई, 24 मिनट। जिस दूरी को सी कर रहा था 36 में, उसी दूरी को बी करेगा 24 मिनट में। और अगर इसकी बात करेंगे तो 1 का मान 12 मिनट आ गया इसमें। ये सवाल था हमारा कौन सा, 15। कई बार सवाल इतना ही आता है, बस समय का अनुपात बताइए। तो समय का अनुपात आप सीधा 1 2 3 कह सकते हैं, लेकिन इस सवाल को मुंहजवानी भी कर सकते थे आप। मुंहजवानी कैसे, कि इसने कह रखा है आपसे कि सी किसी निश्चित दूरी को 36 मिनट में तय कर रहा है, और ये कन्फर्म है सवाल के अंदर कि एक ही चाल बी से अगर डबल है तो सी से तिबल है। अगर एक ही चाल सी से तिगनी है तो जब तिगनी चाल है उसकी तो तीसरा समय लगेगा। अब 36 मिनट में अगर सी कर रहा है तो ए कितने में तय कर लेगा? तीसरा समय। भाई 3 से भाग दे दो उसको, तिगनी चाल है तो भाई तीसरा हिस्सा लगेगा वो, तो 12 मिनट में तय कर लेगा। जब ए 12 मिनट में तय कर सकता है तो ए की चाल बी से भी तो डबल है। अब जिस दूरी को ए 12 में तय कर रहा है, उस दूरी को बी कितने में करेगा? 24 में करेगा, क्योंकि ए की तुलना में बी डबल कमज़ोर है, ए सबसे ज़्यादा ताकतवर है इसमें। ए की चाल बी से भी दोगुनी बता रखी है और सी से भी तिगुनी बता रखी है। जब सी का 36 जानते हैं हम, तो सीधा हम 36 में किसका भाग देते? 3 का देते हैं। 12 मिनट आता किसका? ए का। और जब बी का निकालते हम तो 2 × 12 करते और 24 मिनट उत्तर। इस तरीके सीधा कर सकते हैं इसको। ये शॉर्ट हो गया इसका। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल दिया मैंने आपको 16वां। क्या कर रहा है 16वां सवाल? ये भी पहले मुंहजवानी सेट करते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर साइकिल से जाता है तथा वापस पैदल आता है। साइकिल से जा रहा है, वापस पैदल आ रहा है। हाँ, साइकिल पंचर हो सकती है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर साइकिल से जा रहा है और वापस कर रहा है पैदल, कहीं जा रहा है वो, तो उसे पूरी यात्रा में 10.5 घंटे लगते हैं। फिर ये कह रहा है यदि वह दोनों तरफ से पैदल चलता, मतलब एक तरफ से पैदल तो पहले भी था वो, अब वो कह रहा है कि नहीं, साइकिल को भी पैदल बदल दो। अगर वो दोनों तरफ से पैदल चलता तो उसे 2 घंटे अधिक लगते।
और फिर ये पूछ रहे आपसे, यदि वो दोनों तरफ से साइकिल से चलता तो बताओ कितना टाइम लगता। जब साइकिल पैदल बदल रही है तो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, और जब पैदल साइकिल में बदलेगी तो 2 घंटे कम लगेंगे। इसका मतलब पहले साइकिल और पैदल का टाइम 10:30 था, साइकिल और पैदल का टाइम कितना था 10:30, अब यदि आप पैदल को साइकिल में बदलेंगे तो 2 घंटे कम कर दो, तो 10:30 में 2 घंटे कम करो कितना आया, 8:30 आया। और यदि वो पैदल को साइकिल में बदल रहे हैं 2 घंटे कम कर रहे हैं हम, और साइकिल को पैदल में बदलेंगे तो 2 घंटे बढ़ा दो, तो 10:30 में 2 जोड़ दो 12:30 आ जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि ये मुंहजवानी सवाल है, यदि आपको पैदल में कन्वर्ट करना है तो 10:30 में 2 कम कर दो, यदि आपको साइकिल में मतलब पैदल में कन्वर्ट करना है 2 घंटे बढ़ा दो, और यदि साइकिल में कन्वर्ट करना है 2 घंटे क्या कर दो कम कर दो। तो इसको लिख के कैसे करें हम, वो देखो आप, मैं ऐसा करता हूँ, साइकिल को मान लेता हूँ सी, सी मीन साइकिल, और पैदल को मान लेता हूँ मैं पी, पी मीन्स पैदल। सवाल की भाषा यह है कि साइकिल से गया पैदल आया, तो सी प्लस पी का मान दे रखा है आपको 10:30 घंटे। सवाल ये कह रहा है कि यदि वह है दोनों तरफ से साइकिल से, दोनों तरफ से पैदल चलता है, यानी पी से जाए और पी से ही आए, पैदल जाए पैदल आए, तो उसके 2 घंटे बढ़ जाते हैं, 2 घंटे बढ़ा दो 10:30 में 2 घंटे जोड़ दो, इसका मतलब 2P बराबर हो गया हमारा 12:30। जब 2P का मान 12:30 हो गया तो P का मान निकालो 6.25, 2 से भाग देंगे 12:30 में, तो 12:30 को 2 से भागने पर क्या आएगा 6.25 आएगा। इस P की वैल्यू को आप यहाँ रख दो तो ये बन जाएगा C प्लस 6.25 बराबर 10:30। 6.25 को उधर ले जाओ तो 10:30 में 6.25 घटाओ तो C बराबर आ गया 4.25। ये तो पता लगा लिया हमने कि अगर वो एक साइड से साइकिल से जा रहा है तो 4.25 घंटे लग रहे हैं उसको, और यदि वो साइकिल से वापस आएगा तो 4.25 घंटे और लगेंगे उसको। तो अब निकल सकता है C प्लस सी बराबर 4.25 प्लस 4.25 बराबर 8.5 उत्तर। और शॉर्ट में जो कर रहे थे आप, वो कर रहे थे 10:30 में 2 घटाओ सीधे 8.5, ये पैदल के लिए हो गया, और अगर साइकिल से करना था तो 10:30, सॉरी पैदल में आप उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो साइकिल में है, और पैदल में करना है इसको तो 2 जोड़ा 2 12.5, ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। बस वो देख लो तेज कौन सा है, बस तेज वाले में कम कर दो, धीरे वाले में ज़्यादा कर दो, 2 घंटे का फर्क दे रखा है इसने सवाल में क्लियर, साइकिल में और किस में पैदल में। तो हमें करना ऐसे चाहिए था, ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद में हमारा इसमें दिया है सवाल हमने 17वां, पढ़े उसको, ये वही पुराना सवाल हो गया है, औसत चाल वाला सवाल आ गया ये, तो इसको भी निकालिए। सवाल नंबर है हमारा 17। 17 सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलता है, जब 30 की चाल से वो 2 घंटे चलेगा तो 30 दूनी 60 चल जाएगा, एवं आगे 60 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से चलता है, अगली दूरी कन्फर्म दे रखी है इसने लेकिन समय कन्फर्म नहीं है, समय निकाल लेंगे जब दूरी पता है चाल पता है। तो फिर तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि 40 की चाल से 1.5 घंटे चलता है,
40 को 1.5 से गुणा कर देंगे, फिर हम उसकी भी दूरी आ जाएगी और पूरी यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है। तो ये हम जानते हैं ऑलरेडी, औसत चाल निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो देखिए औसत चाल, औसत चाल बराबर, अब देखो क्लियर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चल रहा है, तो 30 को आप 2 से गुणा कर दो, 60 किलोमीटर हो गया ना। अगली वाली दूरी आपको कन्फर्म दे रखी है 60 किलोमीटर ही, चाल का यूज होगा नीचे प्लस। तीसरा पॉइंट है 40 की चाल से 1.5 घंटे चलता है, तो 40 को 1.5 से गुणा कर दो, ये तो ही टोटल दूरी। कन्फ्यूजन बढ़ता है यहाँ पर, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्यों बढ़ता है कि इसमें दूरी दे रखी डायरेक्ट, यहाँ आपको दूरी निकालनी पड़ी। ये कन्फर्म कर रहा है कि 30 की चाल से 2 घंटे चला तो 60 चल गया, दूसरी कंडीशन की डिस्टेंस आपको डायरेक्ट दे दी इसने 60 किलोमीटर, फिर आगे चला तो 60 डायरेक्ट रखो ना। और फिर आगे कह रहा है 40 की चाल से 1.5 घंटे चला तो 40 को 1.5 से गुणा करो, ये आपकी तीसरी वाली डिस्टेंस आ गई। अब दूरी कम तो हो गया, अब है हमारा कुल समय। कुल समय जब निकालेंगे 2 घंटे, यहाँ देखो कन्फर्म है, यहाँ भी 1.5 घंटे कन्फर्म है आपके, यहाँ का टाइम आपको पता नहीं है लेकिन चाल तो दे रखी ना आपको। 60 किलोमीटर दूरी को 40 चाल चल रहा है, जब आप इस 60 दूरी को 40 से भाग देंगे, अब यहाँ 40 काम आया, ऊपर 40 काम नहीं है, ऊपर तो डिस्टेंस डायरेक्ट पता है आपको। जब दूरी में आप चाल से भाग देंगे तो क्या आएगा, समय आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 40 का 1.5 गुना क्या होता है, 40 का 1.5 गुना 60, ये भी 60 हो गया, ये 20 30 60, 20 2 40, ये भी 1.5 आ गया, यानी 2 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया हमारे पास में 180 बटे कितना, 3 और 2 5, 5 3 15, 5 6 30, आंसर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका सवाल था, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये आपका इसका अंतिम सवाल था, और समय दूरी का जो कंसेप्ट है उसमें हमने ये देखा कि इसमें ज़्यादातर सवाल थे आपके औसत चाल वाले, तो ये 2-3 टैप में पूरा बटा हुआ है सिस्टम। और उसके बाद में आपके आए थे समय अंतराल वाले, दूरी निकालने वाले सवाल, उसका भी औसत चाल का उसमें समावेश था। और तीसरा जो पॉइंट था आपका वो वास्तविक समय और वर्तमान समय वाला था। ये 2-3 पॉइंट आधार पर ये पूरा चैप्टर हमने बना रखा है। इसके बाद में जो कनेक्शन है आपका इस चैप्टर से, वो है रेल संबंधी सवालों का। पहले हम रेल संबंधी सवाल करेंगे इसमें पूरे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। साथ साथ आप प्रॉब्लम देखते चलो, जब इस पूरा ग्रुप पूरा हो जाएगा हमारा, उसके बाद में हम प्रॉब्लम करेंगे इसकी। तो इसके बाद में बताता हूँ आपके लिए रेल संबंधी सवालों का कंसेप्ट। रेल संबंधी प्रश्न, रेल संबंधी प्रश्नों में 4-5 स्टेप हैं, उनको हम सीखते हैं पहले। कैसे स्टेप, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि कोई एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई सपोज करो आपसे कह दिया मैंने एल है, ठीक है ना। एल लंबाई की रेलगाड़ी यदि किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे या किसी सिग्नल को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, मतलब ऐसी चीज़ को पार करे जिसकी कोई लंबाई नहीं है, ऊंचाई तो है इसकी,
तो इन सारी स्थितियों के अंदर जब कोई भी गाड़ी जिसकी लंबाई एल है, व्यक्ति को पार करे, खम्भे को पार करे, सिग्नल को पार करे, पेड़ को पार करे, तो इन सारी स्थितियों के अंदर जो दूरी होती है वो गाड़ी की खुद की लंबाई होती है, यानी जो एल होगी ना वही दूरी कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे ये हमारे पास में कोई पोल है, इस पोल को ये गाड़ी पार कर रही है ऐसे, तो जैसे ही गाड़ी का ये इंजन यहाँ पर आएगा तभी से टाइम चालू करेंगे हम। तो इस गाड़ी की लंबाई के सामने, इस पोल की जो लंबाई है ना ऐसी, इतनी सी लंबाई है पोल की, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं हम। है तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन इस लंबाई के सामने इसको नगण्य मान लेते हैं हम। अब जैसे मान लो व्यक्ति खड़ा हुआ है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति को गाड़ी पार करेगी, अब कुछ ना कुछ तो लंबाई है व्यक्ति की। अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो 1 फीट का होगा, 1.5 फीट का होगा, और कोई तगड़ा होगा 3 फीट का होगा, लेकिन है तो सही कुछ ना कुछ, 100% एक्यूरेट आंसर तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी होती है, उसके सामने ये सेकंडों का भी काम नहीं है, तुरंत गाड़ी निकल जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब इन सारी स्थितियों को पार करते हैं गाड़ी के द्वारा, तो गाड़ी की स्वयं की लंबाई को ही पार करवाते हैं हम। जैसे गाड़ी यहाँ पर आएगी तो यूँ मानो वो खुद को ही पार कर रही है बस, जैसे ये गाड़ी जा रही है, अब जैसे ये खुद को पार कर गई, टाइम ख़त्म। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी पेड़ को पार करे, खंभे को पार करे, तो उस अवस्था में जो दूरी होती है वो गाड़ी की स्वयं की लंबाई होती है। लेकिन अगर यही गाड़ी किसी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म पार करे, किसी अन्य गाड़ी को पार करे, अब इनकी लंबाई को तो कुछ ना कुछ होती है, समझ लो इसकी लंबाई एक्स मान ली हमने, इन सब की लंबाई एक्स मान ली, वो गाड़ी की लंबाई क्या है आपकी एल है ही, तो इस अवस्था में जो दूरी होती है ना वो एल प्लस एक्स होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, और ये आपकी गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी यहाँ पर आएगी, इंजन जैसे ही आएगा यहाँ पर, तो टाइम चालू हो जाएगा अपना, और ये इंजन चल रहा है, स्टेशन स्थिर है यहाँ पर, और ये चल चलता चलता ये इंजन तो देखो बाहर निकल गया, लेकिन गाड़ी तो ऊपर पड़ी है पूरी। पहले इंजन ने किसको पार किया है, प्लेटफॉर्म को, और फिर इंजन खुद को पार कर रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पार कर लिया इंजन ने, लेकिन खुद की लंबाई तो प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है। जब तक तो ये खुद की लंबाई पार नहीं होगी ऐसे, तब तक ये टाइम चेक किया जाएगा। इसका मतलब यह कि इस अवस्थाओं के अंदर दोनों की लंबाई जुड़ेगी, उन दोनों लंबाइयों को पार करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को चेक करेंगे हम। ये होती है दूरी, कब, जब कोई गाड़ी किसको पार करती है, पुल को, सुरंग को, या प्लेटफॉर्म को, या किसी अन्य गाड़ी को, या कोई लेंथ हो, या लंबी दीवार को, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ये दो कंसेप्ट थे आपके दूरी वाले। इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दे रखी है आपके लिए L1, या चाल दे देते हैं पहले, इसकी चाल दे रखी है समझ लो V1। दूसरी गाड़ी है, इसकी चाल समझ लो है V2। अब ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो यहाँ पर काम करती है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब रिलेटिव स्पीड, कैसी स्पीड, रिलेटिव। तो ये होती है V1 प्लस V2। जब दो गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट चल रही हों, तो उस अवस्था में जो चाल होती है ना, मतलब यूँ को वर्किंग स्पीड, सिंपल सी भाषा में बात करते हैं हम, तो ये कह सकते हैं वर्किंग स्पीड, यानी जो चाल काम कर रही है, तो वो कहलाती है सापेक्ष चाल। जब दो गाड़ी चल रही हैं और एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, सापेक्ष चाल जुड़ेगी। और यदि ये दिशा आपकी सेम हो ऐसे, तो सापेक्ष चाल घटेगी। ऐसे घटने का मतलब है कि B1 माइनस B2 कहो, चाहे B2 माइनस B1 कहो। अब ये क्यों घटेगी, क्यों जुड़ेगी, अब आप इसको प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं कैसे, कि कभी भी यदि आप बस के अंदर बैठ के जा रहे हो, गाड़ी से मतलब नहीं है, जैसे मान लो एक बस के अंदर आप बैठे हो, सपोज करो आपकी बस की चाल 60 है,
मान लिया मैंने, जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं उसकी स्पीड कितनी चल रही है, 60, और एक गाड़ी पीछे जा रही है उसकी स्पीड से वो तो 70 है, कितनी है 70। जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं उसकी स्पीड 60 है, और जो आपके पीछे से आ रही है उसी दिशा के अंदर उसकी स्पीड आपकी सपोज वो 70 है, तो ये बताइए वो आपको बस ओवरटेक करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों? आप तो चल रहे हो 60 स्पीड से और पीछे वाली आ रही है 70 की स्पीड से, तो वो आपको ओवरटेक करेगी, वो आपको पार करके आगे निकल जाएगी। लेकिन किस चाल से निकल जाएगी? कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब हमारी गाड़ी चल रही होती है और साइड में से कोई गाड़ी पार कर रही होती है तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे आराम आराम से गाड़ी पार कर रही है, कौन सी खिड़की पर कौन बैठा हुआ है वो दिख भी जाता है कई बार। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब गाड़ियों की दिशा सेम होती है तो रियल में जो स्पीड काम कर रही है पार करने के अंदर, वो 70 काम नहीं कर रही है, उसमें 10 काम कर रही है, और जब 10 काम कर रही है तो 10 स्पीड काफ़ी डाउन हो गई, इसलिए आपको महसूस होता है कि हम आराम आराम से पार हो रहे हैं, क्योंकि 60 स्पीड को आपने बैलेंस कर रखा है। जब आपकी स्पीड 60 है और पीछे जो बस आ रही है उसकी स्पीड 70 है, तो 60 को बैलेंस कर दिया हमने, तो ये कहलाती है सापेक्ष चाल, ये कहलाती है वर्किंग स्पीड। यानी जो इसमें स्पीड काम कर रही है आपकी, वो 70 काम नहीं कर रही है, कितनी कर रही है, 10 काम कर रही है। लेकिन अगर यही गाड़ी इधर से आती, आप इधर से 60 से जा रहे हो, दूसरी गाड़ी 70 से आ रही है, तो आपको पता नहीं चलता कौन निकल गया। कई बार जैसे मान लो सर, ऐसी आवाज़ आती है ना, आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि आपने वही डिस्टेंस को, उसी डिस्टेंस को आपने पार किया है, लेकिन वो ऐसे पार किया है तो डिस्टेंस तो वही थी लेकिन स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। यानी 60 प्लस 70, 130 की स्पीड से पार हुए आपस में, और जब 130 की स्पीड से पार हुए हैं इसलिए वो सर्राटे की आवाज़ आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत कम टाइम के अंदर पार कर गई है, तो वो पता ही नहीं चलता कई बार कौन निकल गया। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि जब दो गाड़ियाँ अपोजिट साइड में पार करेंगी तो सापेक्ष चाल यानी वर्किंग स्पीड क्या होगी, सम ऑफ देयर स्पीड, यानी उन दोनों को हम जोड़ेंगे तब वो सापेक्ष चाल काम करेगी, और दिशा सेम होगी तो घटाएंगे तब वो काम करेगी। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये काम आता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी की लंबाई L1 है, दूसरी गाड़ी की लंबाई L2 है, एक की चाल V1 है, दूसरी चाल V2 है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गतिमान है। अब वो सवाल पूछते हैं आपसे, बताओ दोनों गाड़ियां आपस में पार करने में कितना समय लगाएंगी? जब आपस में पार किया जाएगा तो दूरी हो जाएगी L1 प्लस L2, और चाल डिपेंड करेगी आपकी दिशा पर। जब विपरीत दिशा में पार करेंगी तो चाल जुड़ जाएगी, जब सेम दिशा में पार करेंगी तो चाल घट जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि दोनों गाड़ियों को आपस में पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा टी बराबर L1 प्लस L2 B1 प्लस B2। ये तब की बात है जब दिशा कैसी हो, विपरीत हो, और अगर दिशा सेम हो ऐसी तो टी बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 बटे B1 माइनस B2। दिशा का फर्क केवल चाल में पड़ता है, दूरी पर नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे आप। L1 प्लस L2 इसमें भी आ रहा है और L1 प्लस L2 इसमें भी आ रहा है, तो जो फर्क पड़ रहा है L1 L2 का, केवल किससे पड़ रहा है आपका, मतलब चाल का फर्क पड़ रहा है दिशा के हिसाब से। L1 यानी दूरी इसमें भी वही है और दूरी इसमें भी वही है। अगर दो कंडीशन आपस में पार कर रही हैं तो दोनों की लेंथ काम करेगी, दोनों की लेंथ जुड़ेगी, चाहे वो दिशा में पार करें चाहे विपरीत दिशा में पार करें। तो ये था कंसेप्ट हमारा दोनों गाड़ियों का आपस में पार करने कंसेप्ट। कई बार ऐसा भी कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए दो गाड़ी है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2, और इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये मालगाड़ी मान ली,
ये सवारी गाड़ी है, ठीक है ना। अब ये इसकी लंबाई भी पता है, इसकी लंबाई पता है आपको, ठीक है ना। इसकी चाल सपोज जीरो बी वन है, इसकी चाल सपोज जीरो बी टू है, ऐसे है। अब मैंने पूछा आपसे कि इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव कर रहा है, इस गाड़ी में दोनों गाड़ी चल रही हैं, दोनों की दिशा सपोज करो सेम है, एक ही दिशा में चल रही हैं। मैंने कहा कि इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव कर रहा है इस गाड़ी को, तो बताइए कितनी देर में ये पार हो जाएगा। सवाल आया कि एक गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति ये अनुभव किया कि उस गाड़ी ने उसे इतने सेकंड पार कर लिया, ये व्यक्ति अनुभव कर रहा है इस गाड़ी के अंदर बैठा बैठा, जिसकी लंबाई L1 है, दूसरी गाड़ी लंबाई क्या है L2 है, चाल V1 V2 है, तो ये अनुभव कर रहा है कि भाई ये गाड़ी इसको पार कर गई, तो बताओ समय क्या होगा। अब समय क्या होगा इसका आकलन करने के लिए आपको ये देखना होगा। मैंने पूछा समय क्या होगा, समय निकालने के लिए बताइए दूरी क्या होगी इसके अंदर। दूरी की गलती कर देते हैं हम, दूरी को L1 प्लस L2 कर जाते हैं, इसमें चाल तो इसमें जुड़ेगी या घटेगी, चाल में कोई टेंशन नहीं है। जब किसी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब व्यक्ति अनुभव कर रहा है, यानी गाड़ी आपस में पूरी पार नहीं हो रही, केवल व्यक्ति पार हो रहा है उसका। तो जब गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करेगा, तो ये ध्यान रखो आप कि जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है वो गाड़ी की लंबाई काम की नहीं है। अगर मैं इस गाड़ी में से बाहर निकाल के इस व्यक्ति को अगर इस चाल से भगा दूँ तो वही सवाल है, और इस गाड़ी में बैठे बैठे इसको चेक कराऊँ तो फर्क ये पड़ रहा है कि ये बैठे बैठे आनंद ले रहा है, और जब मैं बाहर निकाल दूंगा इसको इतनी तेज चाल से भागना पड़ेगा। अब ये गाड़ी भाग रही है, कंसेप्ट दोनों का एक ही है। अगर इस गाड़ी में से बाहर निकाल दिया व्यक्ति मैंने और फिर चेक करवाया तो वही कंसेप्ट है, और इस गाड़ी में बैठा करके इस चाल से गाड़ी चल रही है और इसमें बैठा बैठा व्यक्ति चेक करा जाए तो भी वही कंसेप्ट है। तो सिंपल सी बात ही ध्यान रखो दिमाग में कि जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठे बैठे चेक कर रहा है, तो उस गाड़ी की लंबाई काम की नहीं है। इस स्थिति में अंदर जो दूरी होगी वो क्या होगी L2, और चाल डिपेंड करेगी दिशा पर। ये समय आ गया, L2 मतलब मालगाड़ी की जो लंबाई वो काम की है, ठीक है ना। अब चाहे ये पार करे चाहे ये पार करे, अगर ये पार करेगा तो इसकी तेज चाल होगी इस गाड़ी की, और ये पार करेगा तो इसकी चाल हो जाएगी। तो अंतर लेना नीचे तो आपको, बड़ी चाल में से कौन सी घटना है दूसरी। अगर ये ऐसे पार करता, अगर ये दिशा आपकी सेम नहीं होती अपोजिट होती ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, L2 ही रहता, लेकिन चाल हमारी यहाँ पर V1 माइनस V2 नहीं आती, चाल हमारी आती V1 प्लस V2, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि यदि किसी गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठा बैठा व्यक्ति उसमें से चेक कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको जो दूरी लेनी है वो दूरी लेनी है दूसरी गाड़ी की। जैसे मान लो मैं कहता आपसे 200 मीटर लंबी गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि सवाल इंडिकेट करना चाहिए आप, 200 मीटर लंबी गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, एक अन्य गाड़ी जो कि विपरीत दिशा से विपरीत दिशा में नौ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
गतिमान है तथा उसकी लंबाई 400 मीटर है। तो बताओ व्यक्ति कितनी देर में मालगाड़ी को पार करता हुआ महसूस करेगा? इस टाइप से सवाल मैंने कंसर्ट बताया अभी कि जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है वो गाड़ी की लंबाई काम की नहीं है, व्यक्ति महसूस कर रहा है। जब व्यक्ति महसूस कर रहा है तो केवल दूसरी गाड़ी की लंबाई काम की है, दूसरी गाड़ी लंबाई मतलब मालगाड़ी की लंबाई। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब 200 काम की नहीं है, क्या काम की बताओ, समय निकालेंगे। 400 काम की है और आपकी जो सापेक्ष चाल है वो जुड़ेगी या घटेगी? विपरीत दिशाएँ जुड़ेगी। 45 में 9 जोड़ेंगे हम, ये समय आ गया। लेकिन इसमें आंकड़े की दिक्कत आ रही है, ये जो आंकड़े हैं वो मीटर में हैं और ये आंकड़े मिलकर किलोमीटर में हैं। तो आप इसको 5/18 से गुणा कर दो, इससे क्या होता है, इससे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मीटर पर सेकंड बदल जाती है। तो ये हो जाएगा 54 या 18 को ऊपर ले जाओ। ऐसे ये 5 नीचे रह गया, 18 थी 54 और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 80। और 80 का मतलब 3 भाग देंगे हम, 26 सही, 2/3 सेकंड आ जाएगा। मतलब दूसरी गाड़ी जो मालगाड़ी थी उसकी लंबाई काम की थी, सापेक्ष चाल जोड़ी हमने यहाँ पर, ये गुणा क्यों किया हमने? गुणा यूँ किया कि ऊपर बैठा है मीटर तो नीचे बैठना चाहिए फिर मीटर पर सेकंड। ये हम कल नोट डाल चुके हैं कि जब हम किसी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में लाते हैं तो 5/18 से गुणा कर दो, लेकिन दोनों को जोड़ लो पहले, उसके बाद गुणा करो ताकि एक साथ ये सॉल्व कर सकें इसको हम। तो ये 26 थी 78 और 2 80/3 सेकंड के अंदर गाड़ी पार कर जाएगी। और ये इसका उत्तर, मेन जो सवाल है उसको तो हम कल करेंगे, सीट आपको दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन मेन जो कंसेप्ट समझना था हमको, ये समझना था कि गाड़ी चाहे दिशा में पार करो चाहे विपरीत दिशा में पार करो, जब गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करेगा, चाहे उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को हम बैठा के अनुभव कराएं, चाहे गाड़ी से बाहर निकाल के अनुभव कराएं और उसको दौड़ा दें, तो एक ही कंसेप्ट होता है इसमें। और ये ध्यान रखना है, जब कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, खंभे को पार करती है, सिग्नल को पार करती है, तो उस अवस्था में गाड़ी की स्वयं की लंबाई दूरी काम करती है, ठीक है ना। और लेकिन वही गाड़ी यदि किसी पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो उस अवस्था में जो दूरी होती है वो आपकी दोनों की लंबाई और एक्स जुड़ती है, तब दूरी होती है, ठीक है ना। ये जो सारे नोट मैंने जो आपको बताएं, ये पेपर में लिख भी रखें, और ये जो सवाल था ये अलग से लिखा है मैंने आपको, क्योंकि ये उसमें नहीं था, ठीक है ना। अब कल आगे बात करेंगे हम। ओके।